सर्दियों का मौसम आया हुआ था हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी जंगल के पक्षियों ने सर्दी से बचने के लिए अपने-अपने लकड़ियों के पके घर तैयार कर लिए थे जिसमें वे अपने परिवार के साथ रहते थे सभी पक्षियों ने तो अपने लकड़ियों के घर तैयार कर लिए थे लेकिन वहीं कालू कवे और रानी कवि ने अभी तक अपना घर तैयार नहीं किया था और वे ठंडी में अपने घोंसले में बैठे होते हैं कालो जी, कितनी ज़्यादा सर्दी हो रही है देखो ना, सभी पक्षियों ने अपने अपने लकड़ियों के घर बना लिए हैं। लेकिन एक तुम इतने काम चोर हो कि तुमने अभी तक अपना लकड़ी का घर नहीं बनाया है तुम कब बनाओगे रानी सर्दी तो मुझे भी बहुत लग रही है लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं जंगल का कोई भी पक्षी हमें अपने घर में आज के दिन रुकने नहीं देगा बस बस जी, करो। म मुझे तो बहुत भूख भी लग रही है। तुम कहीं जाओ और जाकर भोजन लेकर आओ जल्दी जाओ रानी इतनी सर्दी में हमें कौन भोजन देगा और मुझसे तो अभी उड़ा भी नहीं जाएगा कहलु जी सभी पक्षियों ने अपने घरों को भोजन से भरा हुआ है क्यों ना आज रात को हम सभी पक्षियों के घरों से सारा भोजन चोरी कर लें? लेकिन हम भोजन चोरी कर कर, कर कहाँ जाएंगे हमें भोजन चोरी कर कर वापस अपने घोंसले में ही आना होगा और पक्षी सुबह हमें पकड़ लेंगे नहीं नहीं कहू जी हम पक्षियों का सारा भोजन चोरी कर कर जंगल के पास वाली गुफा के अंदर चले जाएंगे वे गुफा में ज्यादा सर्दी भी नहीं होती है और उस गुफा में कोई रहता भी नहीं है हाँ रानी ये ठीक रहेगा आज रात को हम सभी पक्षियों का भोजन चोरी कर लेंगे मम्मा बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है मुझे बाहर खेलने के लिए जाना है नहीं बेटा बाहर बहुत सर्दी है तुम अभी बाहर खेलने नहीं जा सकते हो तुम घर में ही आराम करो मीनू चिड़िया ने भी अपने घर को भोजन से भरा हुआ था क्योंकि मीनू चिड़िया को पता था कि सर्दियों के मौसम में भोजन ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है जंगल में रात भी हो जाती है सभी पक्षी भी अपने अपने घरों में आराम से सो जाते हैं अच्छा हुआ रानी तुमने ये लकड़ियाँ जला ली हमें अब सर्दी थोड़ी कम लग रही है कालू जी सर्दी को छोड़ो देखो रात हो गई है चलो जंगल के सभी पक्षी भी सो गए होंगे हम सभी पक्षियों के घरों में जाते हैं और उनका सारा भोजन चोरी कर लेते हैं और फिर कालू कौवा और रानी कौवी पक्षियों के घरों में उनका भोजन चोरी करने के लिए चले जाते हैं कुछ देर के बाद कालू कौवा और रानी कौवी सभी पक्षियों का भोजन चोरी करके अपने घोसले में आ जाते हैं रानी ये दो पोटलियाँ भोजन से भर गई हैं। चलो हम अपने जंगल की पास वाली गुफा में चले जाते हैं। वहाँ हमें कोई पक्षी ढूंढ भी नहीं पाएगा हाँ चलो चलो कालू जी एक पोटली तुम उठा लो, एक मैं उठा लेती हूँ चलो जल्दी करो और फिर कालू कौवा का और रानी कौवी जंगल की पास वाली गुफा की तरफ चले जाते हैं रानी इस गुफा में तो काफी ज्यादा दे रहा है मुझे तो कहीं पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है चलो मैं लकड़ियाँ जलाता हूँ और फिर कालू कौवा पास ही पड़ी लकड़ियाँ जलाता है और थोड़ी बहुत रोशनी हो जाती है रानी चलो हम यहीं पर ही सो जाते हैं सुबह होते ही हम अपने लिए नया घोसला बना लेंगे और फिर कालू कौवा और रानी कवि वहीं पर ही आराम से सो जाते हैं अगली सुबह हो जाती है जब जंगल के पक्षी उठते हैं, तो वे देखते हैं, उनके घरों से तो सारा ही भोजन किसी ने चोरी कर लिया है अरे बाप रे बाप मेरा भोजन कहाँ चला गया मैंने कितनी ही मुश्किलों से जमा किया था बाप रे अब मैं क्या खाऊंगा मानो चिड़ी हमारा भोजन कहाँ चला गया कितना सारा भोजन था लगता है कल रात किसी पक्षी ने मेरा सारा भोजन चोरी कर लिया है बाप रे, मेरे चने के बीच भुट्टा और मेरे सरसों के बीच कहाँ चले गए मैंने कितनी मुश्किलों से जमा किए थे अब मैं क्या खाऊंगा सभी पक्षी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और रानी कौवी जब सोकर उठते हैं तो वे देखते हैं उस गुफा में तो एक जालिम चील होती है वे चील कालू कौवे और रानी कौवी को घूर घूर कर देख रही होती है चील दीदी आप इस गुफा में क्यों आई हो इस गुफा में मैं और मेरी पत्नी ही रहते हैं। आप यहाँ से चली जाए बेवकूफ़ कौवे इस गुफा में मैं कई सालों से रह रही हूँ और आज तुम दोनों इस गुफा में रहने के लिए आए हो अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी वैसे भी सर्दियों का मौसम चल रहा है काफी दिनों से मैंने किसी पक्षी का मांस नहीं खाया है चलो आज मैं तुम दोनों का ही मांस खा लेती हूँ चील बहन आप हमें छोड़ दें। अगर आप हमें छोड़ देंगी तो आपको हमारे बदले में ढेर सारे पक्षियों का मांस खाने को मिलेगा वो कैसे मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगी तो मुझे ढेर सारे पक्षियों का मांस खाने को कैसे मिलेगा वो इसलिए कि मैं अभी जंगल में जाती हूँ और जंगल के सभी पक्षियों को कहती हूँ कि इस गुफा में ढेर सारा भोजन पड़ा है सभी पक्षी भोजन के लालच में इस गुफा में आ जाएंगे फिर आप सभी पक्षियों का मांस खा लेना और हम दोनों को छोड़ देना ये बात सुनकर तो उस चील के मुंह में और भी ज्यादा पानी आ जाता है और वे झट से कहती है ठीक है कौवे तुम जाओ और जाके सभी पक्षियों को भोजन की लालच में इस गुफा में लेकर आओ जब तक कि तुम्हारी पत्नी मेरी कैद में है ठीक है ठीक है मैं जाता हूँ लेकिन चील दीदी दी, आप मेरी पत्नी को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगी हाँ ठीक है मैं तुम्हारी पत्नी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी तुम जल्दी जाओ और फिर कालू कौवा पक्षियों के पास चला जाता है मीनू चिड़िया जल्दी चल चलो हमारे जंगल की पास वाली गुफा में ढेर सारा भोजन पड़ा है देखो ये सब पक्षी भी मेरे साथ ही उस गुफा में चल रहे हैं चलो चलो जल्दी चल तुम भी चलो चिड़े मैं अभी कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। तुम घर से बाहर कहीं पर भी मत जाना और फिर कालू कौवा जंगल के सभी पक्षियों को लेकर जंगल की पास वाली गुफा की तरफ चला जाता है और फिर कालू कौवा का सभी पक्षियों को लेकर उस गुफा के अंदर आ जाता है वे चील इतने सारे पक्षियों को देखकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है चील दीदी मैं सभी पक्षियों को ले आया हूँ अब आप मुझे और रानी को छोड़ दें। इतने सारे पक्षियों का मांस खाऊंगी और खूब मजे करूंगी। पक्षियों तुम सबको तो मैं अब छोड़ूंगी नहीं कल कवी मतलब तुमने हमसे झूठ कहा कि इस गुफा में ढेर सारा भोजन है मीनू चिड़िया मेरी मजबूरी थी अगर मैं ऐसा ना बोलता तो चील दीदी मुझे और रानी कविर को मारकर खा जाती चील बहन मेरे तीन बच्चे घर पर ही हैं। मैं उनको तो लेकर आया ही नहीं अगर मैं उनको ले आता तो आप उनको भी खा लेती मुझे इस तोते के वे तीन बच्चे भी खाने हैं तोते जाके अपने बच्चों को लेकर आओ लेकिन चील बहन मैं गया और वापस ना आया तो आपका तो एक शिकार चला जाएगा ना इसीलिए चील बहन आप भी मेरे साथ ही चलो ठीक है तोते मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ चलो और फिर वे चील और तोता उस गुफा के बाहर आते हैं और वे चील एक बड़े से पत्थर से उस गुफा को बंद कर देती है और फिर वे तोता चील को लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है जाओ तोते चाके अपने घर के अंदर से अपने तीनों बच्चों को लेकर आओ चील बहन अगर मैं घर के अंदर गया तो मैं घर का दरवाजा अंदर से बंद कर सकता हूँ और फिर आप मुझे नहीं खा सकती हो इसीलिए आप मेरे घर के अंदर जाएं और मेरे बच्चों को बाहर लेकर आए ठीक है मैं तुम्हारे घर के अंदर चली जाती हूँ और फिर वे चील उस तोते के घर के अंदर चली जाती है चील के अंदर जाते ही वे तोता फौरन अपने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है और वे चील उस घर के अंदर कैद हो जाती है तोते इस घर में तो तुम्हारा एक भी बच्चा नहीं है मतलब तुम झूठ कह रहे थे हाँ चील बहन इस घर में मेरा एक भी बच्चा नहीं है मैंने आपको बेवकूफ़ बनाया है और आप मेरे घर में अब कैद हो गई हो अब आप कभी भी इस घर से बाहर नहीं निकल सकती हो उस तोते ने चील को बेवकूफ़ बनाकर अपने घर में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लिया था और फिर वे तोता फौरन पक्षियों के पास गुफा की तरफ चला जाता है वे तोता उस गुफा के पास आता है और वे पत्थर उस गुफा के पास से हटाता है तोता उस गुफा के अंदर आता है और सभी पक्षियों को बताता है कि कैसे उस तोते ने चील को बेवकूफ़ बनाकर अपने घर में कैद कर लिया है तोते तुमने तो कमाल ही कर दिया तुमने हम सब पक्षियों की जान उस जालिम चील से बचाई है मीनू चिड़िया मैंने तुम सब पक्षियों की जान बचाई है इस कालू कवे और रानी कवि की नहीं इस कालू कवे और रानी कवि को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए और फिर सभी पक्षी उस गुफा के बाहर आते हैं और उस बड़े से पत्थर से उस गुफा को बंद कर देते हैं और वे कालू कौवा और रानी कवी उस गुफा में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं सभी पक्षी वे दोनों भोजन की पोटलियां लेकर अपने घरों की तरफ चले जाते हैं तोते तुम्हारे घर में तो वे चील है इसीलिए तुम आराम से मेरे ही घर में रहो और फिर इस तरह सभी पक्षियों को उस चील की कैसे आजादी मिल जाती है और सभी पक्षी खुशी खुशी अपने जंगल में रहने लगते हैं। मम्मा मैं घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा हूँ मुझे कहीं बाहर घूमने के लिए जाना है कितने दिन हो गए हैं? मैं कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गया हूँ मानो चिड़े अब ये मत कहना कि मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त राजू कौवे के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए भेज दूँ बिल्कुल नहीं मैं तुम्हें राजू कौवे के साथ बिल्कुल भी कहीं बाहर जाने नहीं दूंगी मुझे पता है कि राजू कौवा कितना शरारती है इसीलिए मानो चिड़े मैं तुम्हें राजू कौवे के साथ कहीं भी बाहर जाने नहीं दूंगी अगर तुम्हें कहीं जाना भी है तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो ठीक है मम्मा हम दोनों चलते हैं मानो चिड़ा और मीनू चिड़िया ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर एक तोता जाता है मीनू चिड़िया हमारे बराबर वाले जंगल में एक बहुत ही बड़ा मेला लगा है इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे जंगल के सभी पक्षी वे मेला देखने के लिए जाएं वैसे भी कितने दिन हो गए हैं हम सब पक्षी मिलकर एक साथ कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गए हैं। इस बहाने हम सब पक्षी मिलकर एक साथ कहीं बाहर तो घूमने जाएंगे। हाँ मम्मा मुझे मेला देखने जाना है मुझे मेला देखने जाना है हा हाँ हाँ माना चिड़े जरूर हम मेला देखने के लिए दूसरे जंगल जरूर जाएंगे तोते तुम जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लो फिर हम सब पक्षी मिलकर एक साथ मेला देखने के लिए दूसरे जंगल जाएंगे फिर कुछ देर के बाद जंगल के सभी पक्षी मेला देखने के लिए दूसरे जंगल निकल जाते हैं। मानो चिड़े को तो मेला देखने का बहुत ही शौक था इसीलिए मानो चिड़ा सबसे आगे आगे था मीनू चिड़िया मानो चिड़े से कहती है मानो चिड़े मुझे पता है कि तुम्हें मेला देखने का बहुत शौक है लेकिन तुम ज्यादा आगे मत जाओ बस मेरे साथ ही रहो मीनू चिड़िया मुझे तो उड़ते उड़ते बहुत प्यास लग रही है चलो मीनू चिड़िया सामने जो नदी है हम उस नदी के पास जाकर पानी पीते हैं। फिर सभी पक्षी मिलकर उस नदी का ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। चलो पक्षियों अब सबने पानी पी लिया है ना चलो अब हम दोबारा अपने सफर पर निकलते हैं। फिर सभी पक्षी दोबारा अपने सफर पर निकल जाते हैं। सभी पक्षी जा रहे होते हैं तो मीनू चिड़िया सभी पक्षियों को रोककर उन पक्षियों से कहती है रुको रुको पक्षियों मुझे तुम सब पक्षियों को कुछ दिखाना है भी देखो सामने मूर्ति चलो हम सब उस मूर्ति के पास चलते हैं। फिर मीनू चिड़िया सभी पक्षियों को उस मूर्ति के पास ले आती है मीनू चिड़िया तुम हमें इस मूर्ति के पास क्यों ले आई हो पक्षियों तुम सबको पता है कि इस मूर्ति के पीछे एक बहुत ही बड़ी कहानी छुपी है जो कहानी सिर्फ मुझे पता है अच्छा मीनू चिड़िया तो फिर हम सब पक्षियों को भी बताओ इस मूर्ति के पीछे की कहानी पक्षियों आप सबको इस मूर्ति के पीछे की कहानी सुननी है हाँ हाँ हमें इस मूर्ति के पीछे की कहानी सुननी है मीनू चिड़िया तुम बताओ पक्षियों ये कहानी एक चिड़े की है जो कि एक जंगल में रहता था लेकिन उस चिड़े से कोई भी पक्षी दोस्ती नहीं करता था क्योंकि वे चिड़ा बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था जिसके कारण वे चिड़ा बिल्कुल अकेला था मेरा कोई भी दोस्त नहीं है मैं इतना बदसूरत हूँ कि कोई भी पक्षी मुझसे दोस्ती नहीं करता है फिर वे चिड़ा सामने बैठे एक तोते को देखता है तो वे चिड़ा फौरन उस तोते के पास जाता है तोते भाई तोते भाई आप मुझसे दोस्ती कर लो कोई भी पक्षी मुझसे दोस्ती नहीं करता है क्योंकि मैं बहुत बदसूरत हूँ तो फिर मैं तुमसे दोस्ती क्यों कर लूँ मैं भी किसी बदसूरत पक्षी से दोस्ती नहीं करता हूँ चलो चले जाओ यहाँ से तुम फिर वे चिड़ा उदास होकर वहाँ से चला जाता है वे चिड़ा एक बुलबुल बुल के पास आता है और बुलबुल बुल से यूँ कहता है बुलबुल बहन क्या मैं दोस्ती के लायक नहीं हूँ जो कोई भी पक्षी मुझसे दोस्ती नहीं करता है आखिर मुझ में ऐसी क्या खामी है तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी खामी है वे खामी यह है कि तुम बहुत बदसूरत हो इसी कारण कोई भी पक्षी तुमसे दोस्ती नहीं करता है बुलबुल बहन क्या आप भी मुझसे दोस्ती नहीं करोगी नहीं बिल्कुल नहीं मैं तुमसे दोस्ती बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मेरे दोस्त तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। तो फिर मैं इतने बदसूरत पक्षी को अपना दोस्त क्यों बनाऊं? फिर वे चेड़ा उदास होकर वहाँ से भी चला जाता है लगता है अब ये दुनिया मेरे किसी भी काम की नहीं है कोई भी पक्षी मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करता है बस अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी जान दे दूंगा और इस दुनिया को मैं अलविदा कह दूंगा मैं पहाड़ की चोटी से कूदकर अपनी जान दे दूंगा मेरे जैसे के साथ तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए मेरे जैसे को इस जिंदगी में जीने का कोई हक नहीं है वे चिड़ा बहुत ही उदास होकर पहाड़ों की तरफ चला जाता है वे चिड़ा एक बड़ी सी पहाड़ की चोटी पर आ जाता है और वहाँ से कूदने ही जा रहा होता है के पीछे से एक आवाज़ आती है। रुक जाओ चिड़े ये तुम क्या कर रहे हो तुम अपनी जान क्यों दे रहे हो चिड़िया तुम मुझे मत रोको ये दुनिया मेरे किसी भी काम की नहीं है मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं बनता मैं इतना बदसूरत हूँ कि कोई पक्षी मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करता है चिड़ी तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो और बुरा उसे नहीं कहते जो बदसूरत हो बल्कि बुरा तो उसे कहते हैं जिसके कर्म बुरे हो और तुम तो बहुत अच्छे हो इसीलिए चिड़े क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे दोस्ती का नाम सुनते ही वे चिड़ा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वे झट से चिड़िया से कहता है हाँ चिड़िया क्यों नहीं? तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझसे दोस्ती करी चिड़िया देखना आज से मैं तुम्हारे हर मुश्किल वक्त में काम आऊँगा अगर मुझे अपनी दोस्ती के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा बस फिर क्या था वे चिड़िया और चिड़ा आपस में बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब तो वे दोनों चिड़ा और चिड़िया एक साथ एक ही घोंसले में रहते थे और एक साथ वे दोनों भोजन खाते थे एक दिन वे चिड़ा और चिड़िया कहीं जा रहे होते हैं तो उस चिड़िया से गलती से एक उल्लू साधु की तपस्या भंग हो जाती है जिसके कारण वे उल्लू साधु काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है चिड़िया तुम्हारी वजह से आज मेरी तपस्या भंग हो गई है आज मैं बहुत क्रोधित हूँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा चिड़िया तुम्हें ऐसा शराब दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी उल्लू साधु मुझे माफ़ कर दीजिए मैंने आपकी तपस्या जानबूझकर भंग नहीं की है मुझसे गलती से हो गई थी आप मुझे क्षमा कर दीजिए क्षमा तो मैं तुम्हें नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें डंड दूंगा उल्लू साधु आपको जो भी डंड देना है वो मुझे दे दीजिए आप मेरी दोस्त को कुछ मत बोलिए तो फिर ठीक है अगर तुझे इतना ही शौक आ रहा है तो इस चिड़िया की सज़ा चिड़े मैं तुझे दे देता हूँ फिर वे उल्लू साधु उस चिड़े को शराब देते हैं और वे चिड़ा देखते ही देखते एक पत्थर की मूर्ति बन जाता है चिड़े तुमने बिल्कुल ठीक कहा था कि तुम अपनी दोस्ती के खातिर कुछ भी कर सकते हो और आज तुमने ये सब कुछ करके दिखा दिया तुम मेरे खातिर एक पत्थर की मूर्ति बन गए हो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगी और मैं भी अपने आप को दूंगी पता है दोस्तों फिर क्या हुआ नहीं नहीं चिड़िया बताओ आगे क्या हुआ फिर पक्षियों फिर उस चिड़िया ने अपनी दोस्ती के खाते उसी पहाड़ की चोटी से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी तो पक्षियों यह है इस मूर्ति के पीछे की कहानी जो मेरे पिताजी ने मुझे बताई थी फिर वे सब पक्षी मेला देखने के लिए अपने सफर पर निकल जाते हैं प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दोस्ती शक्ल सूरत देखकर नहीं करनी चाहिए बल्कि हमें दोस्ती तो उससे करनी चाहिए जो हमारे मुश्किल समय में भी हमारे काम आ सके